हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मस्ती पे। कल हमने पहाड़गंज का सफ़र पूरा किया, आज हम चल पड़े हैं कहाँ, सदर बाज़ार की ओर। हम इस समय खड़े हैं नई दिल्ली गेट नंबर 1 के पास। अगर आपको सदर बाज़ार जाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप ई रिक्शा लीजिए यहाँ से, और अपनी अगर किसी व्हीकल से आए हैं आप यहाँ पर व्हीकल पार्क कीजिए, नहीं तो आप अपनी कन्वेंस को अवॉइड कीजिए, यहाँ से ई रिक्शा लीजिए और वहाँ पहुँचे। अब हम सबसे पहले डेस्टिनेशन जा रहे हैं नंदी हट्टी, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे देसी घी के छोले भटूरे। चलिए चलते हैं। फिर यहाँ से जो रिक्शा है शेयरिंग में 10 रुपये चार्ज करता है। आइए चलें सदर बाज़ार की ओर। फ्रेंड्स, जायके की तलाश में हम आ पहुँचे हैं सदर बाज़ार। अब हम चल रहे हैं नंदी हट्टी की तरफ। अब आप पहुँचेंगे कैसे नंदी हट्टी? सदर बाज़ार तो बहुत बड़ा है, बहुत ट्रिकी लोकेशन है यहाँ तक पहुँचना। आप जब भी आएँ, आप देखिए मेरे सामने गुलशन बैग हाउस है और ठीक उसके ऑपोजिट सुलभ शौचालय है। आप ये लैंडमार्क रखिए, क्योंकि शॉप्स तो चेंज हो सकती हैं लेकिन यूरिनल ये जो सुलभ शौचालय है ये हमेशा यहाँ पर रहेगा। इसके ठीक सामने वाली गली में हम चल रहे हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं नंदी हट्टी पे। आप देखिए पीछे मेरे ठीक पुलिस बूथ भी है, तो लैंडमार्क के लिए आप ये थोड़े से पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। चलिए आइए, हम लेते हैं एक प्लेट छोले भटूरे। थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं, कब से ये शॉप यहाँ पे है सारी चीज़ें। सर, क्या नाम है आपका? अजय। कब से है ये शॉप यहाँ पे? 58 से। 58 से, तो किन्होंने स्टार्ट की थी? दादाजी। दादाजी ने, ओके। तो आप थर्ड पीढ़ी? फोर्थ अंदर बैठी अभी। फोर्थ अंदर बैठी, वो पढ़ के आ गई है। हमने तो आगे पढ़ लेकर अपना काम सीखना है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। फ्रेंड्स, 1958 से ये शॉप है, और इस शॉप की खास बात ये है कि यहाँ पे जो छोले भटूरे मिलते हैं वो आपको देसी घी में मिलते हैं। बाकी आपको हर जगह छोले भटूरे मिलेंगे खाने के लिए, वहाँ पे आपको मिलेंगे रिफाइंड में। यहाँ के छोले भटूरे की खासियत ये है कि ये प्योर देसी घी में बनते हैं। लहसुन प्याज भी नहीं यूज़ करते, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाना यहाँ पर आपको मिलेगा। थैंक यू। हमारे भटूरे छोले आ चुके हैं, आइए इसको चखते हैं और जायके का मज़ा लेते हैं। थोड़ा गर्म बहुत है, बहुत फ्लफी है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा छोले भटूरे, और गर्मी का टाइम है तो सीट भी ज़्यादा गर्म है। बहुत बढ़िया, ज़्यादा ऑयली नहीं है, घी में बने हुए हैं, प्रॉपर टेस्ट आ रहा है छोलों का। छोलों का जो फ्लेवर है वो प्रॉपर इन्हांस होके आ रहा है। ये नहीं कि घी की वजह से वो टेस्ट दब रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, प्रॉपर इन्हांस होके आ रहा है छोलों का टेस्ट भी। आइए इसे हम कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि छोले भटूरे की प्लेट का प्राइसिंग क्या है। एक फुल प्लेट छोले भटूरे की जो प्लेट है वो 110 रुपये, और अगर आप हाफ प्लेट लेते हैं तो 60 रुपीज़। मतलब सिंगल भटूरा 60 का, डबल भटूरा विद छोले 110। चलिए जानते हैं कुछ लोग यहाँ पे खा रहे हैं, इनका कैसा एक्सपीरियंस है। हेलो सर। Yes, क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता। कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ के छोले भटूरे? बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की। बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्वालिटी की। बिल्कुल। कितने टाइम से अभी आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो आता रहता हूँ कंटिन्यू। मैं सहारनपुर से आता हूँ, मैं कंटिन्यू आता हूँ यहाँ पर नाश्ता करने। बिल्कुल।
तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब फाइन। थैंक यू। ओके मैम, क्या नाम है अंकल जी आपका? अतुल। अच्छा, आपको कैसे लग रहे हैं यहाँ के छोले भटूरे? मैं पिछले 40 साल से खा रहा हूँ। अच्छा जी, जब साढ़े तो हमारी एज भी नहीं है जितने टाइम से आप खा रहे हैं। हाँ, जब 4.5 रुपए की प्लेट थी, मैं अपने पापा जी के संग छोटा छठा जब आता था, मैं 12 साल की उम्र थी। आज मेरी 51 एज है, लगभग 40 साल से मैं यहाँ खा रहा हूँ। 4.5 रुपए की प्लेट हुआ करती थी जब। हाँ, मेरे पापा बैठते। हाँ, इनके दादा जी बैठते थे, तब से खा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि सिर्फ हम ही आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं इस शॉप के लिए, जो कस्टमर्स हैं, हमने आपको उनसे भी सुनवाया कि कैसी क्वालिटी है, हाइजीनिकली प्रिपेयर रहता है यहाँ पे छोले भटूरे, बहुत अच्छा रहता है। और मेनली क्या होता है कि जब हम बाहर से आते हैं, क्योंकि सदर बाज़ार है, बाहर के टूरिस्ट मतलब ट्रैवलर्स आते हैं, सामान बुक करते हैं, अपना मॉर्निंग में आते हैं, रात की ट्रेन लेके नई दिल्ली पास में है, वापस जाना होता है। अब रात की ट्रेन लेके आए हैं, सुबह पहुँचे हैं, तो खाएँ कहाँ? सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सदर बाज़ार आके। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है, नंदी हट्टी पे देसी घी के छोले भटूरे। हेलो फ्रेंड्स, जायके की तलाश जारी है हमारी, और हम आ पहुँचे हैं सदर बाज़ार की सेकंड डेस्टिनेशन, सरदार जी शेक वालों के यहाँ पे। ये कहाँ पे पड़ेगी शॉप, कैसे पहुँचेंगे आप? मेन सदर बाज़ार चौक पे उतरिए, सीधा अंदर आइए और चप्पल वाली गली है, यहाँ पे आपको बाहर सबसे फर्स्ट शॉप उन्हीं की मिलती है। आइए देखते हैं कौन कौन से शेक्स अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स देखिए, शेक्स बनते जा रहे हैं और कितनी भीड़ है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक मैंगो शेक ट्राई करते हैं, स्मॉल ग्लास। एक मैंगो शेक दे लीजिए, छोटा ग्लास। फ्रेंड्स, हमारा मैंगो शेक आ चुका है, काफ़ी रश है शॉप पे, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया शेक है, 30 का ये ग्लास है। ग्लास का देखिए, मैं थोड़ा आपको साइज दिखाती हूँ ग्लास का, मेरे पाम जितना ही है मतलब। ठीक है, आइए टेस्ट करें। बढ़िया शेक है, गर्मी का टाइम है, शेक ट्राई कर सकते हैं, एनर्जी बनी रहेगी, डिहाइड्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, शेक ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, 12 टूटी चौक से सीधा चलते चलते हम आ पहुँचे दुर्गा बैंगल स्टोर के जस्ट ऑपोजिट। राम अवतार जी की शॉप है, गोलगप्पे, पापड़ी, कांजी वड़ा, भल्ले पापड़ी और भी काफ़ी कुछ स्नैक्स आइटम यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे टिक्की, ब्रेड पकौड़ा वगैरह। तो अब लड़की हो के गोलगप्पे कांजी वड़ा छोड़ के चले जाऊँ, जम नहीं रहा था बिल्कुल भी। और मुझे यकीन है एक लड़की को जमता भी नहीं है, तो हम कांजी वड़ा लेते हैं। आइए, कितने का ग्लास है अंकल जी कांजी वड़े का? 30 रुपये ग्लास कांजी वड़ा दे दीजिए। फ्रेंड्स, ये शॉप ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स पुरानी है। अभी हमने एक कांजी वड़े का ग्लास लिया, अभी अंकल जी बना रहे हैं हमारे लिए, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जायके कैसे हैं उसमें। गर्मी का टाइम, ठंडे ठंडे कांजी वड़े, अब इससे ज़्यादा वेट नहीं हो रहा फ्रेंड्स। थोड़ा स्पून ट्रिकी है इसको तोड़ना प्लास्टिक के स्पून के साथ, मगर हमने मशक्कत करके तोड़ ही डाला इसे। बहुत बढ़िया, बहुत गर्मी लग रही है, एप्पल एंड होने वाला है, गर्मी का टाइम है तो बहुत कूल है। फ्रेंड्स,
स्टूडेंट्स ये एक ग्लास कांजी वड़े में दो वड़े होते हैं और ये पूरा पाम जितना ग्लास जो है ये पूरा कांजी से भरा होता है। कांजी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। फ्रेंड्स गर्मी में चलते चलते तो दम भूल चुका है। अब ऑन द वे हमें एक शॉप दिखी है जैंस की, जहाँ पे आपको नींबू लेमन, लाहौरी जीरा, खसखस सोडा, पाइन एप्पल रोज सोडा वगैरह वगैरह बहुत सारे सोडाज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं अपने लिए नींबू मसाला, लाहौरी जीरा लेने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और अब डिहाइड्रेशन हो रहा है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत शोर है, आई डोंट नो आपको आवाज़ पूरी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन होता है, आप लोग क्या करते हो पानी की बॉटल खरीदते हो और लगता है कि हाँ हम पानी पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। पानी जो है नमक की कमी कभी पूरी नहीं करता, तो आपको उसके लिए नमक, सॉल्ट वगैरह जैसे हम बोलते हैं सॉल्ट बहुत ज़रूरी रहता है। तो चलिए अब लेते हैं हम अपना नींबू लेमन लाहौरी जीरा के साथ। फ्रेंड्स हमने नींबू लेमन लिया है, बहुत गर्मी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, आइए देखते हैं टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स सदर बाज़ार के जायकों की खोज में दोपहर का समय हो चला है और अब लग रही है भूख, और भूख के समय हम आ पहुँचे हैं तोलिया बाज़ार की जो मेन गली है, 232 नंबर दुकान है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिलते हैं भटूरे छोले, छोले चावल, राजमा चावल, पालक पनीर चावल। तो आइए एक प्लेट पालक पनीर चावल ट्राई करें। फ्रेंड्स ये जो होता है पालक पनीर चावल की एक मिक्स प्लेट दी जाती है आपको, आइए इसे लेते हैं, इसका प्राइस जानते हैं और लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, कैसा टेस्ट, कैसा उनका एक्सपीरियंस है इसके जायकों को लेके वो जानते हैं। फ्रेंड वेट लिस्ट जो है मेरे सामने है, मैं आपको दिखा रही हूँ, दो पीस अगर आप छोले भटूरे लेते हैं तो 80 रुपीज़ है, सिंगल पीस 45 का है, केवल छोले 40 के, और फुल प्लेट राजमा चावल, पालक पनीर, मतलब चावल के साथ आएगा ये कॉम्बो, 110 का है, हाफ प्लेट जो है इन सब का सेम कॉम्बो 70 का है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं भैया, एक प्लेट पालक पनीर चावल के साथ कॉम्बो, छोटी प्लेट मिल रही है 70 की, आपको पहले टोकन लेना रहता है यहाँ पे। भैया एक प्लेट देना, नींबू गया इसके ऊपर, चटनी गई और मसाला डाल के हमारी पालक पनीर विद राइस कॉम्बो आ चुका है, आइए टेस्ट करें। फ्रेंड्स हमारा कॉम्बो आ चुका है, इसमें राजमा है, पालक पनीर है, पनीर का पीस है, आइए टेस्ट करें इसे, बहुत गर्म है ये, आइए टेस्ट करें। ये हमने लिए पनीर का पीस, राजमा का, और थोड़ा सा हमने इसमें पालक भी ऐड ऑन किया है। बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका। अब जब भी आएँ, 232 नंबर दुकान है तोलिया मार्केट के बाहर, फर्स्ट शॉप पड़ती है, ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स बच्चे जो होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं, सही ओपिनियन देते हैं, आइए जानते हैं बच्चों से पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो बेटा कैसे हो आप, आप बताओगे कैसे लग रहे हैं आपको छोले भटूरे? अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो? नहीं पहले भी आते, पहले भी आ चुके हो, जब भी आते हो यहीं खाते हो? हाँ। अरे वाह, फेवरेट इसकी फेवरेट है। और भी कुछ खाते हो आप यहाँ से? छोले भटूरे ही खाते हो? छोले भटूरे बच्चों के फेवरेट, छोले भटूरे। क्या खा रहे हो आप? राजमा चावल। कब से खा रहे हो, पहली बार खा रहे हो? नहीं पहले, जब भी आते, जब भी आते हैं आप भी तभी खाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कैसे लग रहा है आपको टेस्ट? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। आंटी आपने कुछ ट्राई किया यहाँ पे? नहीं कुछ क्या, दांत ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, आपके ब्याह पे ये खा रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल कहीं नहीं ऑर्डर, बिल्कुल हमें यहीं का ही अच्छा लगता है, रेडी है कुछ भी है, कहीं का स्वादिष्ट नहीं लगता, टेस्ट बट यहाँ का बना हुआ टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू आंटी। चलिए फ्रेंड्स हमने लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया यहाँ से, अब आगे चलते हैं, जायके की तलाश हमारी जारी है, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मस्ती। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हो आप, दिल्ली है यार, दिल्ली नहीं है, दिल से दिल्ली है, DILLIMASTI, दिल्ली मस्ती। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर ऑलरेडी 44 हो चुका है, अब और सदर बाज़ार अभी घूमने की हिम्मत नहीं हो रही है, अब हम वापस चल रहे हैं घर को, लेकिन
जायके की खोज जारी है। सदर बाजार में अभी भी कुछ अनकही छुपी हुई कहानियाँ, जायके का स्वाद छुपा हुआ है, जो कि हम कवर करने के लिए फिर किसी दिन आएंगे। आज का सफ़र यहीं पे पूरा होता है दोस्तों, लेकिन जायके का सफ़र जारी रहेगा। ये सिर्फ आज का सफ़र हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, जायके का सफ़र नहीं। बने रहिए मेरे चैनल दिली मस्ती, DILLI, ना कि DELHI, DIL, दिल वाला दिल्ली है ये, DILLI, दिल्ली मस्ती के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने अपने सजेशंस दीजिए। मेरी कुछ कमियाँ लग रही हैं, उसे इम्प्रूव करने के लिए मुझे कमेंट में बताइए, और बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।